जिनको लिखने का काम ज़्यादा करना होता है, दाएं हाथ से लिखते लिखते दाएं मस्तक की ऊर्जा खर्च होती है, तो जीभ को अगर ऊपर तालों में लगा दें तो डॉक्टर जॉन डायमंड ने कहा कि बाएं मस्तक की ऊर्जा दाएं मस्तक को मिले और विद्यार्थी या बड़े जो लिखने का काम अधिक करते हैं बैंकों में इधर उधर ऑफिसों में, वो ज़्यादा देर तक अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे बिना थकान के। इसका ऐसा दिव्य लाभ है। माउंट आबू के तरफ एक महात्मा जी ने बताया कि जंगल में माउंट आबू के तरफ शेर बंदर को पकड़ के खा जाता है, तो बंदर तो पेड़ पर रहता है, कैसे पकड़ लेता है शेर? तो बोले बंदर पेड़ पर होते हैं, शेर आके गर्जना करता है, बंदर डर जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं वहाँ सेफ नहीं है, उस पेड़ पर जाएं तो सुरक्षित हो जाएंगे, तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हैं, घबराहट घबराहट में बैलेंस न बना पाने के कारण गिर पड़ते हैं नीचे और शेर उनको पकड़ लेता है। तो डॉक्टर जॉन डायमंड ने कहा कि अगर जीभ को तालों में लगाया जाए तो कभी भी घबराहट के कारण जो मानसिकता विक्षिप्त हो जाती है वो नहीं होगी। और जीभ तालों में लगाने के साथ साथ भगवान का नाम जप खास किया जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव ने 5 साल की उम्र में किया निष्ठा से, तो कैसे उसको भगवत कृपा का अनुभव हुआ। सावित्री ने किया तो यमराज से अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई। यहाँ अपनी जालंधर की महिला समिति में एक सुजाता बहन है, यहाँ बैठी होगी अभी, उनका बेटा स्कूल में बेहोश हो गया था, तो प्रिंसिपल ने फ़ोन किया तो वो अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल गई। डॉक्टरों ने पता नहीं कौन सी बीमारी बताई, मैं नाम भूल गया, बोले ऑपरेशन होगा ये होगा, डरा दिया। बहनों ने तो घर पर बैठ कर जप किया, तो बापूजी के चित्र से इनको प्रेरणा हुई कि ऐसा ऐसा करो, उन्होंने वैसा किया और उनका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया, अभी भी ठीक है। सर्व रोग की औखद नाम जो गुरु नानक देव जी ने कहा वो वचन बिल्कुल सत्य है। जिस माला के द्वारा हम जप करते हैं उस माला का महीने दो महीने एकाध बार पूजन जरूर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए कि अपनी माला को पहले शुद्ध जल से स्नान करा दें, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो हो पवित्र घर पे, फिर गाय के दूध से स्नान करा दें, दोबारा पानी से स्नान कराएं, पवित्र वस्त्र से माला को पोंछ कर पीपल के पत्ते पर माला को रख दें पूजा की जगह पर, चंदन से या कुमकुम से माला के मेरु पर तिलक करें और तिलक करते समय मंत्र बोलें। कौन सा मंत्र? माला की पूजा करने का ये मंत्र है, ओम ऐं श्री अक्ष मालाय नमः, ओम ऐं श्री अक्ष मालाए नमः, ये माला की पूजा करने का मंत्र है। ओम ऐं श्री अक्ष मालाए नमः। रोज अपनी माला के द्वारा जप शुरू करें, जब भी हम सुबह या शाम को, तो जप शुरू करने से पहले एक बार दो बार तीन बार जितना बोल सके मंत्र बोल लें, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, फिर माला से जप शुरू करें तो उसका विशेष लाभ होता है, मंत्र सिद्धि में सहायता मिलती है। सुबह जप करें तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, शाम को जप करें तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके, तो वो जप विशेष फलदायी होता है। जप करते समय आप देखना, पहले अगर हमारे श्वास मुख्य रूप से अगर
नाक के दाहिने नथुने से चल रहे होंगे तो जप में ध्यान में आनंद नहीं आता उतना, फिर होता है कि बस 10 माला पूरी कर लो। पर जब नाक के बाएं नथुने से श्वास ज़्यादा चलता है मुख्य रूप से, तो जप में ध्यान में आनंद आएगा। और अगर नाक के दोनों नथुनों से श्वास समान रूप से चल रहा हो तो समझो सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुला है, तब तो और विशेष आनंद आएगा ध्यान में जप में। पर नाक के दाहिने स्वर से श्वास चल रहा होगा ना, तब आप देखना जप करने में आनंद नहीं आ रहा होगा, आपको होगा कि माला पूरी करो जल्दी, नाश्ता कर लें जल्दी, फिर भगवान याद नहीं आएंगे, नाश्ते में क्या करेंगे वो याद आएगा, हो सकता है। पर बायां स्वर चलता हो तो विशेष आनंद आएगा। और सुषुम्ना का द्वार खुला हो मतलब दोनों नथुनों से श्वास का आना जाना सामान्य रूप से चल रहा हो, तब तो बड़ा आनंद है। इसलिए बापूजी कई बार आते हैं सत्संग में तो पैर के पंजों के आधार पर संकेत करते हैं कि कूदें, थोड़ा जंप करें, तो उससे प्राण अपान की गति सम होकर सुषुम्ना का द्वार खुल जाता है। कभी बायां स्वर चालू करना हो तो दाईं करवट लेट जाएं तो बायां स्वर चालू हो जाएगा। जब आपको कुछ पीना हो, स्वस्थ रहना हो ना अगर, तो ये बढ़िया उपाय है। जब आपको कुछ पीना हो, पानी, शरबत, लस्सी, दूध, तो आप नाक के बाएं स्वर से श्वास चलता हो तभी पिए। अगर दाहिने से चलता होगा तब पानी या शरबत लस्सी कुछ पिएंगे तो पाचन कमज़ोर होगा और बीमारी घेरे रहेगी, शरीर कमज़ोर रहेगा। पर नाक के बाएं नथुने से खबे पासे बाएं स्वर से श्वास चलता होगा तब ही प्रवाही पीना चाहिए, पानी, शरबत, लस्सी, दूध आदि, तो आपका स्वास्थ्य और शरीर एकदम मजबूत रहेगा, कमजोरी नहीं रहेगी। कईयों को शरीर में जवानी में बिचारों को कमजोरी आ जाती है, जवानी में चश्मे पहनने पड़ते हैं, 40-50 साल की उम्र होते होते तो मानो बुढ़ापा आ जाता है। तो ये स्वर का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो बड़ा फायदा होगा। घर से बाहर जाते हैं दुकान धंधे पर, ऑफिस पर, बच्चे स्कूल में, तो देखें नाक के जिस स्वर से श्वास चल रहा हो वो पैर घर से बाहर रखो, सफलता मिलेगी। दुकान खोली आपने अपनी तो जो स्वर चलता है वही पैर पहले दुकान के अंदर रखें, सफलता मिलेगी। बेटे बेटी स्कूल में कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा खंड में प्रवेश करने से पहले देख लें कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर पहले अंदर रखें। उस समय ऐसा नहीं कि वहाँ 15 मिनट खड़े हो जाएं कि कौन सा चल रहा है, वो तो पता चल जा तुरंत कि बायां चल रहा है कि दायां चल रहा है, तो वो पैर अंदर रखें तो सफलता मिलती है। कई लोग अपने घरों में गणपति भगवान की मूर्ति रखते हैं, पर कहाँ रखते हैं पता है, कई लोग घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर की साइड ऊपर गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है। तो गणेश जी की तस्वीर ऐसे ढंग से रखनी चाहिए कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तब गणपति जी की मूर्ति के तस्वीर के दर्शन हों और हम मन में ओम गम गणपतये नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसा मन में ये पूरा मंत्र श्लोक याद न रहे तो ओम गम गणपतये नमः, तो घर से बाहर जाते समय गणेश जी की तस्वीर पर नज़र पड़े ऐसे ढंग से रखनी चाहिए, न कि घर के बाहर ऊपर रख दिए हैं। घर से बाहर जाते समय हमको सिद्धि की, सफलता की आवश्यकता है कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें हमको सफलता मिले। घर में, दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में 5 चीज़ें मिलाकर अगर कोई स्वस्तिक बना दे तो बड़ा शुभ माना जाता है। कौन सी 5 चीज़ें? हल्दी पिसी हुई, कुमकुम लाल, गंगा जल तीसरी वस्तु, चौथी वस्तु शुद्ध गुलाब जल या शुद्ध इत्र,
और पांचवी वस्तु गौमूत्र, देसी गाय का, जर्सी गाय का जरण नहीं। ये पांच चीज़ें मिलाकर अगर कोई अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में स्वस्तिक बना देता है तो वो बड़ा ही शुभ माना जाता है, बड़ा हितकर माना जाता है। जहाँ सोते हैं हम रात को घर पर, उस जगह पर बेडरूम में कभी भी जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। कोई कोई तो ऐसे भी होते हैं पलंग पे बैठकर ही खाते हैं, ये ठीक नहीं है। जहाँ सोते हैं वहाँ ऐसा नहीं कि चार पाँच दिन से वही चादर बिछी हुई है, तो तमोगुण बढ़ेगा, फिर नींद में गंदे सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे। इसलिए जहाँ सोते हैं वो चादर बदल दें, भले पानी से ही धोके सुखा दें, दूसरी चादर बिछा दें। रोज साबुन से ना धोएं चादर, तो खाली पानी से निचोड़ के सुखा दें, और वही चादर रोज बिछा के उस पर सोते हैं तो सपने ज़्यादा आएंगे, तमोगुण बढ़ेगा, नींद ज़्यादा आएगी, सुबह उठने में आलस होगा कि चलो अभी थोड़ा थोड़ा और आराम कर लो, आधा घंटा और सो जाओ, 15 मिनट और सो जाओ, क्या फ़ायदा। महाभारत में लिखा है आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य मनुष्य के शरीर में रहा हुआ बड़ा घातक शत्रु है। आलस्य माने 5 बजे आँख खुल गई पर हुआ कि चलो आधा घंटा और सो लेते हैं, ये समझो आलस्य रूपी दुश्मन में हमला कर दिया आपके ऊपर। अधिक सोना स्वास्थ्य के लिए हितकारी नहीं है। जिनको ज़्यादा नींद आती हो वो क्या करें, प्राणायाम ठीक से करें। और दूसरा काम, छुआरे आते हैं ना, छुआरे खारे ड्राई फ्रूट में, वो 2 या 3 छुआरे पानी से धोकर टुकड़ा चबाएं और दूध पिए, फिर टुकड़ा चबाएं दूध पिए, रात को टुकड़ा चबाया, चबा चबा कर खाया, ऊपर दूध पिया, तो शरीर में मैग्नीशिया लवण की कमी से नींद ज़्यादा आती है। अगर ये प्रयोग करेंगे रात को तो फिर नींद पर काबू पा सकेंगे, मैग्नीशिया लवण की कमी की पूर्ति होगी। लाल गाजर का रस या लाल गाजर का सीरा हलवा खाने से भी उस कमी की पूर्ति होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो नींद आती है उस पर काबू पा सकेंगे। पर जिनको नींद नहीं आती है रात को, उनके पैर के तलवे में, बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, कईयों को नहीं भी आती, तो उनके पैर के तलवे में थोड़ी घी की मालिश करो, वो लेट जाएं, आप उनकी सेवा करो, 5-10 मिनट होगी, बुजुर्गों की सेवा करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। घर के बूढ़े बुजुर्ग हों तो रात को थोड़ी उनकी सेवा कर दिया करो, 5 मिनट 10 मिनट लगेंगे और क्या, पैर के तलवे में घी की मालिश कर दी तो नींद अच्छी आएगी, जिनको नहीं आती हो। पेट साफ रहे, पेट में कब्ज की शिकायत नहीं रहनी चाहिए। अमेरिका में एक जगह ऐसी रिसर्च की गई, 300 लोग जो मर गए, उनके मरने के बाद 300 लोगों के शरीर में डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च की कि उनके शरीर में पुराना मल जमा हुआ पड़ा था आंतों में, और वो लोग जब जिंदे थे तो बोलते थे हमारा पेट तो एकदम साफ रहता है, हमारा पेट एकदम साफ रहता है, कोई पेट की तकलीफ नहीं है। पर डॉक्टरों ने कहा कि 300 में से 280 लोगों के शरीर में हमने देखा कि उनके आंतों में मल ऐसा जमा हुआ था कि कीड़े पड़ गए थे, और वो बोलते थे कि हमारा पेट तो साफ है, हमारा पेट तो साफ रहता है। तो त्रिफला की गोलियां या त्रिफला चूर्ण या हरड़े रात को पानी से, गुनगुने पानी से लेना, वो पेट के लिए, आंतों के लिए, हर तरह से बहुत फ़ायदा कारक है, सफाई रहेगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जो त्रिफला की गोलियां या त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी से रोज लेते हैं थोड़ा, उनको बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, शरीर में शक्ति स्फूर्ति बनी रहेगी। और रात को अगर किसी को स्वप्न दोष की बीमारी है तो रात को मीठी चीज़ें न खाएं, रात को मीठा खाना बंद कर दें, रात को गर्म दूध पीना बंद कर दें। दूध पिए तो फिर ऐसा नहीं कि चलो गर्म दूध नहीं तो, ये तो बहुत बढ़िया बताया, अब तो हम फ्रीज़र में रख देंगे, ठंडा हो जाएगा, फिर उसमें शरबत डाल के पियेंगे, ऐसा भी ना हो। गर्म दूध माने एकदम गर्म दूध और फिर ज़्यादा मीठा, वो नुकसान करता कर सकता है, करता ही है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, पर कर सकता है किसी किसी को। रात को मीठा न खाएं, रात को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ जाएं, तो स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारी भाग जाएगी दुम दबाकर।
रात को सोते समय गुरु मंत्र का जप करके सोएं। अपने कमरे में जहाँ सोते हैं वहाँ अपना इष्ट मंत्र बोलें, जिसका जो इष्ट मंत्र गुरु मंत्र हो बोलें, मन में बोलें, तो आप जहाँ सोएंगे ना उस कमरे में आपके जप के वाइब्रेशन फैल जाएंगे, क्योंकि हम जो शब्द बोलते हैं ना वो आकाश में व्याप जाता है। अगर हम गंदा शब्द बोलते हैं तो वातावरण दूषित होता है, अगर हम पवित्र शब्द बोलते हैं राम राम हरि हरि सतनाम ऐसा पवित्र शब्द बोलते हैं, भगवान का नाम बोलते हैं, तो हमारे नाम जप से हमारा दिल तो पवित्र होता है, बुद्धि पवित्र होती है, पर नाम बोला ना हमने तो वातावरण भी पवित्र हो जाता है। भगवान नाम की ऐसी महिमा है, नाम जप करने वाले को त्रिलोकी का वातावरण पवित्र करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए चलते चलते भी कोई बात की, चलो काम की, पर फिर हरि हरि राम राम हे प्रभु हे भगवान हे नाथ ऐसा बोलते रहने से बड़ा लाभ होता है। मुख पवित्र रहेगा, हृदय पवित्र रहेगा, और फिर ऐसे भक्त का अशुभ नहीं होगा। न वासुदेव भक्ता नाम अशुभम विद्यते क्वचित। अशुभ होता है तो नासमझी के कारण होता है, इसलिए अपनी नासमझी दूर करते रहने का प्रयास करना चाहिए। घर में पूरब और उत्तर के तरफ अगर कोई नंगे पांव घूमे, नीचे भले कुछ बिछा हुआ हो कारपेट आदि, वहां नंगे पांव घूमे और नाम जपता रहे होठों में, तो बड़ा शुभ माना जाता है, इससे घर में बरकत आती है। कैसे, समझो ये पूरब है ना, ये साइड पूरब है, ये पूरब तो ये उत्तर हो गई, तो पूरब और उत्तर एल आकार घर में घूमने से पूरब की साइड और उत्तर की साइड, नंगे पांव घर में घूमते हुए भगवान का नाम जप करें थोड़ी देर रोज सुबह शाम, तो ये बड़ा शुभ माना जाता है, उस घर में शांति बरकत पुण्याई बढ़ती रहती है। अपने घर में कभी कभी जिनके घर में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो वो सामूहिक जप करें, घर के सब लोग बैठकर माला लेकर जप करें ज्योत जलाकर, तो सबका संकल्प सबका सामूहिक जप वो बड़ा काम करेगा। और समस्या के सिर पर पैर रख के व्यक्ति समस्या का समाधान पालेगा। कोई भी उपलब्धि मानव के लिए अलभ्य नहीं है, भगवान ने मनुष्य को अनंत विभूतियों से विभूषित करके संसार में भेजा है, पर फिर भी मानव असफल हो जाता है। क्यों होता है? नहीं तो मानव जीवन में असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं है, फिर भी कई बार लोग असफल हो जाते हैं। कौन असफल होते हैं? जो अंदर से हार मान लेते हैं वो असफल हो जाते हैं। अपनी सफलता के विषय में कोई भी काम हम करें और उसमें अपनी सफलता के विषय में संशय करना, ये आसमान में पत्थर उछालने जैसा है। आप आसमान में पत्थर उछालो तो क्या वो ऊपर चला जाएगा? नहीं, नीचे ही आएगा। ऐसे ही जो अपनी सफलता के विषय में शंका करता है, हम पास होंगे कि नहीं, हमारा काम चलेगा कि नहीं, तो पत्थर जैसे उछालो तो नीचे आता है, ऐसे ही जो सफलता के विषय में शंका करता है वो असफल ही होता है। नया काम धंधा शुरू किया हो तो मंगलवार का उपवास करना चाहिए, सफलता मिलेगी। किसी बेटी को बेटे को मंगल का कोई ग्रह तकलीफ दे रहा हो तो मंगलवार को उपवास करें और मंगलवार के दिन मंत्र जपे, ओम होम श्री मंगलाय नमः, ओम होम श्री मंगलाय नमः, ओम होम श्री मंगलाय नमः। मंगलवार को जप करें, मंगलवार को व्रत करें, तो मंगल की कोई हो बाधा तो वो दूर होती है। शादी में अड़चन आ रही हो मंगल के कारण तो वो दूर होती है, ये भी करें मंत्र, ओम होम श्री मंगलाय नमः। कितना सरल है। दिल्ली में एक कन्या की शादी में बड़ी अड़चन आ रही थी, मंगल का कुछ था उसको, तो कन्या ने ये जप किया, फिर उसकी शादी अच्छे घर में हुई, अभी बहुत सुखी है। उसने वो पति के साथ आई थी, तो खास विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, जिसको भी अपने जीवन में सफलता पानी है, सुख पाना है, तो अपने अंदर मन में से मान्यताओं को, तुच्छ मान्यताओं को उखाड़ फेंको।
रास्ते से जा रहे हैं और इतने में बिल्ली रास्ता काट गई तो लोग डर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। क्यों? कि बिल्ली रास्ता काट गई। अरे काट गई तो काट गई, बिल्ली को बेचारी को थोड़ी पता है कि मैं इधर से जाऊंगी तो इसको अपशकुन हो जाएगा। तो बिल्ली को देखकर चूहा भी भाग जाता है, तो क्या चूहा सोचता है कि अपशकुन हो गया इसलिए भागता है? नहीं नहीं, चूहा डरता है मेरे को मार डालेगी। तो बिल्ली को देखकर डर जाना, रुक जाना, खड़े हो जाना कि अपशकुन हो गया। अरे निकल वीर बनकर। हम कार में एक जगह जा रहे थे प्रवचन करने, तो एक जो गाड़ी चला रहे थे सज्जन, थोड़ा आगे एक बिल्ली रास्ता काट गई तो उन्होंने ब्रेक मारी। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले बिल्ली रास्ता काट गई। मैंने कहा निकल जल्दी कर, कोई अपने से पहले निकले इसके पहले अपन निकलो। मैंने कहा बिल्ली रास्ता काट जाए, अगर लगता है आपको कि अपशकुन हो गया तो गहरा श्वास भर के रोको और एक बार गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र एक बार जप लो, बस। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। तो कई बार लोग बेचारे बेकार की मान्यताओं में ऐसे जीते हैं कि सुनकर बड़ा आश्चर्य लगता है। तो इसमें उलझने की जरूरत नहीं, कभी अपशकुन हो गया तो गहरा श्वास लेकर रोके और महामृत्युंजय मंत्र एक बार जप ले, बस। गायत्री मंत्र जप ले, दिन का समय हो तो, रात का समय हो तो महामृत्युंजय मंत्र जप ले। मननात्रायते यस्मात् तस्मान् मंत्र प्रकीर्तितः जपात् सिद्धि, जपात् सिद्धिर, जपात् सिद्धिर, न संशय। हम इधर आ रहे थे जलंधर, जब जम्मू के तरफ से, तो रात को एक जगह, एक दो जगह कहीं रुकना पड़ा, सत्संग था, तो रात को थोड़ी देर हो गई, तो एक ट्रक वाले की नासमझी से हमारी गाड़ी का ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। गाड़ी तीन चार बार इधर पलटी मारने की तैयारी, इधर स्पीड में थी तो कंट्रोल से बाहर हो गई, पर फिर भी गाड़ी नीचे उतर गई रोड से, पर पेड़ से टकराने से पहले ही गाड़ी रुक गई अपने आप। नहीं तो पेड़ से टक्कर ऐसी होती, 100 की स्पीड में गाड़ी जा रही और कंट्रोल से बाहर हो जाए तो रुक सकती है, पर पेड़ के पास आते आते नीचे रोड से उतरकर पेड़ से 2 फुट पहले ही रुक गई। हम सब उतरे, गाड़ी फिर ऊपर चढ़ाई और उसी गाड़ी में आए। जप करने से, ध्यान करने से, महामृत्युंजय मंत्र जपने से व्यक्ति का इष्ट मजबूत होता है। और दूसरी बात, स्कंद पुराण में लिखी है दिवाली के बाद जो एकादशी आती है, गुरु नानक जयंती के पहले जो एकादशी आती है उसे हरिबोधनी एकादशी कहते हैं। उस हरिबोधनी एकादशी को अगर कोई कपूर का दिया जलाकर भगवान की आरती करे तो कभी भी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा खतरनाक, अकस्मात में उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये स्कंद पुराण में लिखा है। मैंने पिछले साल दिवाली के बाद वाली हरिबोधनी एकादशी को कपूर का दिया जलाकर आरती की थी। हमारा जहां पूजा का स्थान बना हुआ है, मैंने तो गुरुदेव की थी पर कपूर का दिया जलाया था मैंने। कल ऐसा, परसों ऐसा खतरनाक एक्सीडेंट था कि बचता नहीं आदमी, बचता, अगर बचता भी तो भयंकर चोटें लगती, पर जरा सी खरोंच भी नहीं आई, किसी को नहीं आई। हरिबोधनी एकादशी को कपूर के दिए से आरती कर ले। शास्त्रों के वचन कितने बढ़िया हैं, ये स्कंद पुराण की बात है, किसी की उपजाई हुई बात नहीं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल नम्मा को कर सके चाहे जग बैरी होए। समझो, किसी को ऐसा भी होता है ना, पितृ दोष होता है, बोलते हैं हमको हमारे घर में जो गुजर गए हैं वो बार बार दिखते हैं सपने में, तो क्या करें हम, अथवा तो वो पीड़ा होती है हमको, कोई तकलीफ होती है बार बार घर में, कभी कोई बीमार, कभी कोई समस्या, कभी कोई प्रॉब्लम, तो कई बार पितृदोष होता है, तो क्या करें कि अमावस्या का दिन आए तो उस दिन उपवास करें। पितृदोष वाले लोटा पानी भर के रखें और भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें, पाठ करके वो लोटा जल जो भरा हुआ है वो सूर्य के सामने ले जाएं, छत पर या बाहर खुले में, और मन में प्रार्थना करें कि सूर्य भगवान, यमराज आपके पुत्र हैं
और यमराज मृत्यु के देवता हैं। हमारे घर में पहले जो कोई गुजर गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए आज हमने जो गीता पाठ किया उसका पुण्य हम उनके लिए अर्पण कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारे घर में अब ऐसे कोई अकस्मात या ये गड़बड़ ना हो, शांति रहे। ऐसा अगर अमावस्या के दिन कर लें, 5-7 अमावस्या 11 अमावस्या तक भगवत गीता का 7वां अध्याय पाठ, इसमें क्या परिश्रम है, क्या खर्चा है, कर सकते हैं, पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। कितने सरल सरल शास्त्रों के उपाय हैं। लोग बेकार में डर रहे हैं, हाथ की रेखाएं दिखाते फिरते हैं, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अरे अपने हाथ की रेखाएं दूसरों को दिखाते रहने की अपेक्षा अपने हाथों का उपयोग कर्मठता और परिश्रमशीलता के लिए करें। फिर देखो, आपने कभी लक्ष्मी माता का, संतोषी माता का चित्र देखा हो ना, तो उनके चित्र के, उनकी तस्वीर के दोनों तरफ दो हाथी दिखाई देते हैं, और वे दो हाथी ये परिश्रमशीलता और कर्मठता के प्रतीक हैं। हम परिश्रमशील बने, आलसी न बने, सुबह 5 बजे के बाद सोए न रहें। एक संत थे डोंगरे जी महाराज, उनका नाम था, अभी कुछ वर्ष पहले उन्होंने शरीर छोड़ा। वो कहते थे सुबह 5 बजे के बाद जिसको सोने की मजा आती है उसको ऊपर जाने के बाद सजा बहुत आती है। मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तब से मैं बहुत ध्यान रखता हूँ। भले रात को 12-1 बजे भी सोऊं तो भी 5 के पहले तो बिस्तर छोड़ना ही है। महापुरुषों की बात वो कोई ऐसे ही कपोल कल्पित नहीं होती, उनकी अनुभूति होती है, श्रुति युक्ति और अनुभूति, शास्त्र सम्मत बात होती है, युक्ति युक्त होती है और उनकी अनुभूति होती है कि ये करो तो लाभ होगा, नहीं कैसे होगा। बापूजी ने अहमदाबाद में एक बात बताई गुरु पूर्णिमा के पर्व पर कि किसी पर केस चल रहा हो, किसी ने किसी को झूठे आरोप लगा के फंसा दिया हो, कोई परेशान करता हो, कोई असामाजिक तत्व के ऐसे हैं लोफर टाइप और वो हमको तंग करते हैं या हम पर रुबाब जमाते हैं या हमारा शोषण करते हैं और हम उनसे छूटना चाहते हैं, तो क्या करें। 4 पंक्तियाँ 108 बार बोलें। एक महिला का केस चल रहा था और कुछ गुंडे लोग उनकी जमीन दबा कर बैठे थे धूलिया महाराष्ट्र में, तो उस महिला ने वो एक महीने तक जप किया, एक माला रोज करती थी, तो वो सारी जगह उनके नाम हो गई और उसके कागजात उसने दिखाए, सरकारी स्टैम्प पेपर रजिस्ट्री की हुई। 1 महीना बोले जप किया मैंने। क्या जप किया? बापूजी ने बताया था अहमदाबाद आश्रम में कि हनुमान जी का सुमरण करते हुए फिर गुरु गीता का थोड़ा पाठ करके और 4 पंक्तियाँ पढ़ें, पवन तनय बल पवन समान, एक दूसरी पंक्ति बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, तीसरी पंक्ति कवन सो काज कठिन जग माही, कवन 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 सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। बस 108 बार बोलें, केस किया है, किसी ने आरोप लगाया है या परेशान करता है तो ये करे 108 बार संकल्प करके केस से जान छूटे। और वो बढ़िया प्रयोग जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, पुराने साधकों ने पहले सुना भी होगा कि 40 मिनट तक अगर हो सके तो 1 मिनट पलकें हिलाए बिना अपने गुरुदेव की तस्वीर की तरफ एक टक देखें, बस 40 मिनट हो जाएं फिर आंख बंद कर लें। तो बोले कैसे पता चले कि 40 मिनट हो गई? तो कुछ ऐसा घड़ी में अलार्म सेट कर दें 40 मिनट का, या कुछ आधे घंटे की कैसेट चला दें ध्यान की, फिर 10 मिनट अंदाज से और बैठें, ऐसा 40 मिनट तक कोई रोज करे, फिर तो उसका खुद का अनुभव होगा कि कैसे कैसे फायदे हो रहे हैं और कैसा संकल्प फल रहा है और मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है, विघ्न कैसे दूर होते हैं।
और ऐसा व्यक्ति प्रेमी भी बनेगा, जो साधना करेगा ना वो द्वेषी नहीं होगा, जहरीला नहीं होगा। कई लोग तो माला भी घुमाते हैं पर जहर भी ऐसा उगलते हैं और मन में ईर्ष्या और द्वेष भी ऐसा रखते हैं कि बात मत पूछो। जो ध्यान साधना करेगा ना 40 मिनट तक ये प्रयोग करेगा, वो आदमी जहरी नहीं रहेगा, सांप की तरह फुफाड़े मारते हैं लोग, ऐसे ऐसे होते हैं। सांप कैसे फुफकारे, ऐसे फुफकारते हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, तो ऐसा क्यों? क्या माला की तुमने, क्या पाठ किया, खाक पाठ किया? जिसकी अपने गुरु के चरणों में दृढ़ भगवत बुद्धि होगी, दृढ़ ईश्वरीय बुद्धि होगी, संभव ही नहीं है वो किसी से द्वेष रख पाए, वो किसी से वैर झेर वाला व्यवहार कर पाए, संभव ही नहीं है, होगा ही नहीं। क्योंकि जिसका ध्यान करेंगे, जिसका चिंतन करेंगे, उनके गुण हमारे में आएंगे, दैवी सद्गुण आएंगे, वैर झेर नहीं रहेगा। अगर रहता है तो समझो अभी गुरु चरणों का ध्यान किया ही नहीं है, बकवास की है, साधना नहीं की है। साधन निष्ठ हो, गुरु चरणों में निष्ठावान हो। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और उनके विषयों पर ही अपने को समाप्त कर देता है, उसे कभी भी अलौकिक की झांकी नहीं हो सकती। इंद्रियां और उनके विषय लौकिक है, अगर उन पर ही अटका रहा, ये ऐसा ये ऐसी, इसने मेरे लिए ऐसा कहा, हम देख लेंगे इसको, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये इंद्रियों और उनके विषयों पर ही घूमता रहा तो अलौकिक की झांकी नहीं हो पाएगी। जो इंद्रियों और उनके विषय भोगों पर आकर्षित होता है वो अलौकिक से वंचित रह जाता है, बिल्कुल पक्की बात है। उसको ईश्वरीय झांकी, ईश्वरीय प्रीति का अनुभव नहीं होगा। वो भले बोले कि अरे हाँ हमको तो होता है, इनको क्या पता, तो भाई ध्यान रखना, जैसे आज तक किसी ने इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है, मैं दावे से कह सकता हूं, इसमें कोई ना नहीं बोल सके, एकदम साइंटिफिक परफेक्ट बात है, किसी ने आज तक इलेक्ट्रिसिटी देखी नहीं है। कोई कहे कि हम रोज देखते हैं, बल्ब जलता है हम देखते हैं, ट्यूबलाइट जलती है देखते हैं, कंप्यूटर चलता है हम कंप्यूटर के आगे बैठते हैं, वेबसाइट खोलकर बैठते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है? भाई मेरे, आप जो देख रहे हो, पंखा चल रहा है, बल्ब जलता है, ट्यूबलाइट जलती है, कंप्यूटर चलता है, ये सिर्फ परिणाम है, ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये विद्युत का परिणाम है साहब, ये विद्युत नहीं है। ये सिर्फ रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है। और जब बल्ब तोड़ देते हैं तो विद्युत नहीं फूटती, सिर्फ विद्युत को प्रकट करने वाला उपकरण फूटता है, विद्युत नहीं फूटती, उपकरण टूट गया। बिजली तो अब भी है, आप दूसरा बल्ब लगाओ, स्विच ऑन करो, देखो होती है कि नहीं प्रकाश। विवेक चाहिए, विवेक समझ चाहिए। बिजली के तार को काटो तो बिजली नहीं कटेगी, केवल तार कटता है जिसके द्वारा बिजली बह रही थी। बाकी फिर से जोड़ो, देखो, बिजली के तार को पकड़ो, छेड़ा खुला हो, बिजली के तार को पकड़ोगे ना तो जो झटका लगता है ना वो भी बिजली नहीं है, वो भी बिजली का परिणाम है, वो बिजली नहीं है, परिणाम है केवल। हम लोग परिणाम को जानते हैं, बिजली नहीं जानते। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार भक्ति, साधना, ज्ञान, सत्संग, सुमरण, इसके अभाव में मूल कारण जो है वो अदृश्य रह जाता है, और दृश्य को ही सब कुछ मानकर लोग उलझते रहते हैं। ये मेरा, ये तेरा, ये हमारी पार्टी का, ये हमारे ग्रुप का, ये इस ग्रुप का, दृश्य में उलझ रहे हैं, अदृश्य का पता ही नहीं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पता नहीं, ऐसे ही बल्ब को ही सब मान रहे हैं, वो परिणाम है। ऐसे ही लोग बेचारे मूल से वंचित रह जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ें नहीं दिखती है, शाखाएं दिखती है, पत्ते दिखते हैं, जड़ें कहाँ दिखती हैं? जड़ें अदृश्य हैं, पर जड़ों के कारण ही वृक्ष टिका है।
वो मुख्य है। देखो भाई, जिसको हीरे मिल जाएंगे ना, वो कंकड़ पत्थर मुट्ठी से छोड़ देगा, फिर पकड़े नहीं रखेगा कि हीरे मिल गए यार, फेंको इसको। ऐसे ही जिसको अनुराग का रस मिल जाता है ना, फिर उसका किसी में राग रहेगा ही नहीं। जब राग नहीं रहेगा तो आसक्ति भी नहीं रहेगी, द्वेष भी कुछ नहीं रहेगा। जिसको महल मिल जाएगा रहने के लिए, वो झोपड़ी में रहने की इच्छा क्यों करेगा? आप बताओ, बढ़िया एसी रूम मिल गया किसी को तो वो तपती हुई धूप के नीचे जाकर क्यों अपने को सेकेगा? जरा सोचो। भक्त को मिल जाता है बढ़िया राजमहल, फिर वो उलझता नहीं है तपने के लिए, इधर उधर झंझट में पड़ता ही नहीं। उसके पास इतना समय नहीं होता कि किसी के दोष देखे, उससे झगड़ा करे, तुम ऐसे हो नहीं। कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की, नाम देव ने बनाई, रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, प्रभु घी तो लेते जाओ, रोटी रूखी तो न खाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शकल बनाई है श्वान की, कण कण में है झांकी भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। वो ज्ञान की आंख मिलेगी जब राग छोड़ने की तैयारी करे। वीतराग शब्द गीता का बड़ा प्यारा है। वीतराग, वीतराग का मतलब विराग नहीं। राग होता है कि किसी से बंध जाना, लड़का है तो किसी लड़की के चक्कर में फंस गया, बंध गया, उसी की याद आती है। लड़की है चरित्रहीन, समझो गुरु भक्ति नहीं है, गुरु चरणों में प्रीति नहीं है, किसी लड़के के चक्कर में आ गई, यह है राग। और विराग है भागना, नहीं नहीं हम इनसे बात नहीं करते, हम अलग रहते हैं, हम ये विराग है। और वीतराग, ओहो, बुद्ध बैठे थे और कुछ दुष्ट लोग एक युवती के पीछे पड़े थे, युवती भागकर पीछे झाड़ियों में छुप गई, बुद्ध के सामने से गुजरी। वो दुष्ट आए और कहा, महाराज आपने किसी लड़की को यहाँ से जाते हुए देखा? बुद्ध बोले, कोई गया तो सही, पर लड़की गई कि लड़का गया मेरे को पता नहीं, आंखें खुली थी, कौन गया ये मुझे पता नहीं। यह वीतराग था। बापूजी के जीवन में बचपन से वीतरागता थी। मेहमान आते जबरदस्ती कहते चलो फिल्म देखने चलें, बापूजी रोते हुए आ जाते, बोले नहीं मुझे नहीं देखना, मां करना चाहती थी शादी। वीतरागता, छोड़ के घर में अब जाऊंगा, यह वीतरागता है। जल कमलवत स्थिति, विगत इच्छा। गीता में बड़े प्यारे शब्द हैं, आजकल लोग पढ़ते नहीं ना। मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, कि कोर्ट में जब कोई केस होता है ना और आदमी जाता है, पेशी होती है, तो गीता पर हाथ रखवाया जाता है। मैंने सुना है, ऐसा देखने नहीं गया हूँ, सुना है कि गीता पर हाथ रखवाते हैं कि कसम खाओ गीता की, जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। तो देखो, अगर बचपन से ही गीता हाथ में रखी होती तो गीता पर हाथ रखने का दुर्भाग्य नहीं आता। ऐसे काम नहीं होते कि कोर्ट में जाना पड़े, गीता पे हाथ रखनी पड़े। क्यों? बचपन से हाथ में रखे तो उस पर हाथ नहीं रखना पड़ेगा। जीवन ऊंचा होता जाएगा। तो वीतराग शब्द गीता का बड़ा प्यारा है। विगत इच्छा, गीता में बहुत प्यारे शब्द हैं, विगत इच्छा। कई बार लोग तोता रटंत पाठ कर लेते हैं कि बोले मैंने एक अध्याय पूरा पाठ किया। हम रोज एक अध्याय का पाठ करते हैं, पाठ करो पर कोई एक शब्द भी मिल जाए तो बैठ जाओ। वीतराग शब्द गीता का, एक शब्द, एक एक शब्द गीता का बड़ा प्यारा है, हमारी साधना बढ़ाने के लिए, हमारी भक्ति बढ़ाने के लिए, हमारा जीवन खुशियों से भरने के लिए काफी है। गीता का एक श्लोक, 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, अगर कोई घर के लोग करें 108 बार रोज, संकल्प करके, समझो पति काम धंधे पर गए हैं और उनको सफलता नहीं मिल रही है, तो घर की महिला 108 बार 11वें अध्याय का 40वां श्लोक पढ़े और फिर संकल्प करे, मेरे पति पिता भाई जो काम धंधे पर गए हैं उनको सफलता मिलेगी, प्रभु मेरा आज का ये 108 पाठ का पुण्य उनको मिले। खाली एक श्लोक, 11वें अध्याय का 40वां, बस।
तो राग न रहे। राग आग की तरह जलाता है, कई जन्मों में भटकाता है, पर गुरु चरणों में अनुराग वो तो सुख और शांति देता है, लोक परलोक संवार देता है, सुख शांतियों से भर देता है। गुरु चरणों का अनुराग।